राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की वीडियो है। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम गर्मियों का फुल डे रूटीन बनाओ, तो आज की वीडियो वही है। तो लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं, तो अभी हम इनको उठाएंगे। तो अभी इनको उठाते हैं प्यार से। तो हमने हल्की सी इनको चादर उड़ा रखी है, क्योंकि डेली मौसम चेंज हो जाता है। कभी गर्मी दिन में गर्मी, शाम को ठंड हो जाती है, मतलब बारिश होने लगती है थोड़ी बहुत जैसे। तो अभी क्योंकि पंखा चला देते हैं ना रात को, इसलिए हम भी खुद ओढ़ के सोते हैं चादर वगैरह, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी हल्की सी चादर उड़ा के सुलाती हूँ। तो अभी हम इनको उठा देंगे सभी को प्यार से, अपने बच्चों को, चारों को, राधा रानी को भी, लड्डू गोपाल जी को भी, सभी को हल्का हल्का पहले हम सहला देंगे, एकदम से नहीं उठा के बिठाएंगे। तो आराम से उठा देंगे और कह देंगे उठ जाओ लल्ला। तो अब इनकी ये हम ब्लैंकेट हटा देते हैं, और गाय माता साथ में रखी रहती है, इनकी बांसुरी इनके पास ही रखी रहती है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे, उठ जाओ लल्ला। तो दोनों हाथों से लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे और प्यार से सर पे भी हम हाथ इस तरीके से सहला देंगे। अब बड़ी वाली राधा रानी को उठा देंगे, उठ जाओ लाडो। तो हमारी लाडो रानी भी उठ गई हैं, और आप देख सकते हो अभी आंखें इनकी नींद में भरी हुई हैं। अब छोटी केशवी को भी उठा देंगे, तो चारों बच्चों को हम उठा देंगे। और सभी को मैंने ना, जैसे गर्मियां पड़ने लगी है, तो सभी को नाइट की ड्रेस पहनाई हुई है, और मैं इस तरीके से लिटाती हूँ, मतलब इस तरफ लिटाती हूँ चारों बच्चों को, क्योंकि बेड पे ना चारों, मेरे को ऐसा लगता है ये गिर ना जाए, तो मैं ऐसे लिटा देती हूँ, तो मेरे को फिर डर नहीं लगता और चारों आराम से आ भी जाते हैं। तो चारों बच्चों को बिठा दिया है, तो बच्चों को हम पहले आचमन करा देंगे, इनको कुल्ला करा देंगे, उसके बाद मैं इनको पानी पिलाऊंगी। तो सभी को मैं एक साथ बिठा दूंगी यहाँ पर, और लड्डू गोपाल जी कि ये ड्रेस बार बार उतरे जा रही है, क्योंकि मैंने थोड़ी ना गर्मियों में थोड़ी ढीली बनवाई है, गर्मी में थोड़े ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा फिटिंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते गर्मियों में। और ये गाय माता भी बैठी हैं। अब लड्डू गोपाल जी को आचमन करा देते हैं। पानी ले लूंगी मैं एक कटोरी में, और एक खाली कटोरी ले लूंगी। तो ये पानी रख दिया मैंने, एक खाली कटोरी रख दिया। अब लड्डू गोपाल जी को करा देंगे आचमन, और एक कटोरी में तुलसी रखी है, ये मैं रख दूंगी इनके पास ही। तो अब सबसे पहले हम करा देते हैं केशवी को आचमन करा देंगे। आचमन मतलब होता है कुल्ला कराना। तो केशवी को करा देंगे सबसे पहले आचमन, और एक तीन बार इस तरीके से हम पानी छोड़ देंगे। तो हमारी केशवी ने कर लिया कुल्ला, अब करा देंगे अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी। तो सभी को इसी तरीके से हम आचमन करा देंगे, उसके बाद इनको हम पानी पिलाएंगे। तो सभी का आचमन ऐसे ही कराना है हमें। और जो ये आचमन का पानी है, या तो आप इसको पी सकते हैं, या फिर आप इसको किसी पेड़ में भी दे सकते हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी को पानी पिला देंगे, तो इसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी। और पानी, जैसे कि अब गर्मी है, तो ये मैंने ना साथ में इनके ये मटका रखा हुआ है, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, इसमें से मैंने पानी लिया है। तो अब लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे पानी, इसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी को प्यास लग रही है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी पी रहे हैं पानी। तो सभी को पिला दूंगी मैं पानी, तो एक ही गिलास में मैं सबको पानी पिला दूंगी। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग गिलास में पानी पिलाना है। काफी पूछते हैं कि मैम एक ही बर्तन में हम खाना खिला सकते हैं राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी? हाँ जी, बिल्कुल खिला सकते हैं। राधा रानी और लड्डू गोपाल कोई अलग नहीं है, तो हम एक साथ खाना भी खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं, और एक बेड पे हम सुला भी सकते हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी ने पानी पी लिया है, और अब हम इनको दूध ले आएंगे। अभी मैं इनको स्नान नहीं कराऊंगी, पहले मैं इनको दूध का और मिश्री का भोग लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को उठते ही भूख लगती है। जैसे छोटे बच्चों को भूख लगती है, वैसे हमारे बाल रूप लड्डू गोपाल जी और बाल रूप राधा रानी को भी भूख लगती है। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का और मिश्री का भोग लगा दूंगी। लड्डू गोपाल जी का दूध और मिश्री ले आई हूं मैं। अब ये दूध मैं इनके पास रख दूंगी, और इनको लगाएंगे दूध का और मिश्री का भोग। अब इसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी, तो मैंने तुलसी पत्र सभी में डाल दिया है।
अब लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को दूध का भोग लगा देंगे। चाहे तो आप रख सकते हैं, चाहे इनको बोल भी सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमने आपके पास दूध रख लिया, आप दूध पी लीजिए या मिश्री खा लीजिए, या आप अपने हाथों से भी पिला सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों से भी लड्डू गोपाल जी को दूध पिला सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो राधा रानी को भी पिला देंगे। तो मैं चारों को इसी तरीके से दूध पिला दूंगी और ये दूध हम इनके पास ही रख देंगे। और ये हमें रखना होता है 15 से 20 मिनट के लिए रखना होता है, फिर इसको आप प्रसाद बन जाता है ये, आप अपने घर में पी सकते हैं इस दूध को, चाहे चाय में भी यूज कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया और आप देख सकते हो इनको कितनी तेज भूख लग रही थी, अपने मुंह पे कितना सारा दूध लगा लिया है। तो अब इनका पेट भर चुका है, तो अब इनके स्नान की तैयारी कर लेते हैं। मालिश करेंगे पहले इत्र से। तो गर्मियों में ना, मैं बता दूं आपको, गर्मियों में इत्र आते हैं, गर्मियों के खसखस का आता है, गुलाब का आता है, और भी आते हैं, तो आप उससे जरूर मालिश करें। लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में इत्र से मालिश, गर्मियों के इत्र से ही करें। तो अब लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार मालिश के लिए, तो इनके ये कपड़े उतार देंगे और लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की मालिश करेंगे। तो राधा रानी की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, लड्डू गोपाल की मालिश दिखाऊंगी। वैसे ही भी फुल डे की ना बहुत लंबी वीडियो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी। लड्डू गोपाल जी की मालिश कर लेते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को कर देंगे हम मालिश। तो ये वाला इत्र मैं वृंदावन से लेके आई थी। और भक्तों, आप ना इत्र अपने हाथ पे लगा के, अपनी ना पलकों पे लगा के चेक कर ले अगर जलन हो रही है, तो वो इत्र लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो मैंने आपको बता दिया, गुलाब का ला सकते हो, खसखस का, जहां पे लड्डू गोपाल जी का सामान मिलता है ना, वहां से आप इत्र बोल दें कि भाई गर्मियों का इत्र दे दे, तो वो इत्र दे देंगे। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी की कर दूंगी मालिश। उसके बाद हम इनको मालिश करने के बाद ना 10-15 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे खेलने के लिए। चारों बच्चे बैठ जाएंगे, थोड़े से ये अपनी जो इन्होंने लीला कर रखी है वो देखते हैं, उसके बाद फिर ये स्नान कर लेते हैं। तो अभी मैं दोनों की मालिश कर लूंगी, मतलब चारों की मालिश कर लूंगी। तो अब लड्डू गोपाल जी 15-20 मिनट देखेंगे अपनी लीला, और इनके पास हमने मिश्री और पानी रख दिया, बच्चों को प्यास लगे या भूख लगे तो ये खा लेंगे। तो अभी चारों के चारों बैठे हैं और अपनी लीला देख रहे हैं, उसके बाद हम इतने ये लीला देखेंगे, इतने इनके स्नान की तैयारी कर लेंगे, इनके लिए पानी वगैरह ले आएंगे, फिर स्नान कराएंगे इनको। तो कितना आनंद आ रहा है इनको देखने में। तो अब बच्चों ने अपनी लीला देख ली है फोन में, अब इनको हम स्नान करा देंगे। तो चलते हैं फिर इनको स्नान करा लेते हैं। चलो, तो लड्डू गोपाल जी का स्नान का बर्तन हमने तैयार कर लिया, स्वास्तिक बना दिया, थोड़े से फूल डाल देंगे इसमें और एक तुलसी का पत्र भी रखेंगे इसमें, लड्डू गोपाल जी के स्नान के बर्तन में। अब एक इसमें हम तुलसी पत्र भी रख देंगे और लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे बर्तन में स्नान के लिए। राधा रानी को हम स्नान करते हुए नहीं दिखाएंगे, लड्डू गोपाल जी को ही दिखाएंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी का हमने पानी तैयार कर लिया स्नान का, इसमें थोड़े फूल डाल लिए, थोड़ा सा हम इत्र डाल देंगे इसमें, इत्र के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम गुलाब जल। तो काफी वीडियो मैंने डाली हुई है लड्डू गोपाल जी को गर्मी में कैसे स्नान करा सकते हो, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल दूंगी ताकि पानी में खुशबू आ जाए अच्छी सी। अब करा देंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप जरूर करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे, या फिर आपको जो भजन आता है वो भी गा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है, अब हम राधा रानी को स्नान करा देंगे। अब लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इनको इत्र लगाएंगे। स्नान करा दिया हमने, अब ना एक बार इत्र और लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद ही हमें इनको कपड़े पहनाने हैं। तो पहले हम लंगोटी पहना देंगे, ये लड्डू गोपाल जी की है दोनों की, तो ये लंगोटियां पहना देंगे इनकी, मतलब इनकी जो नैपी है वो पहना देंगे। और भक्तों, ये जो पानी है स्नान का किसी भी पौधे में दे देंगे, और लड्डू गोपाल जी की जो ये नैपी है इसको हम धोके सुखा देंगे और ये पानी पौधे में दे देंगे। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को हमने कर लिया तैयार, और अब हम इनको दिखा देंगे मिरर। लड्डू गोपाल जी राधा रानी को तैयार करने के बाद हमें मिरर भी जरूर दिखाना चाहिए, तो मैं ये इनका मिरर है तो इनको दिखा दूंगी, राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। तैयार करने के बाद इनको भी देखने का मन करता हम कैसे तैयार हुए, तो हमें डेली स्नान और तैयार कराने के बाद लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को मिरर जरूर दिखाना चाहिए। और अब मैं लगा दूंगी इनके कपड़ों पे इत्र,
चाहे स्प्रे वाला ले सकते हो या फिर इस तरीके से भी लग जाता है ये कपड़ों पे ऐसे। ये इत्र भी हमें लगाना है ताकि लड्डू गोपाल जी को खुशबू आती रहे। और अब तो वैसे भी फूल बंगले और चंदन यात्रा चल रही है, तो भक्तों मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने लड्डू गोपाल जी को थोड़े चंदन से भी स्नान कराया था पानी में डाल के। और अब ये मेरे पास है तुलसी की जो मैंने लकड़ी पीसी हुई है, ये तिलक थोड़ा सा चंदन पाउडर में मिला के तिलक लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। तो तिलक लगा दूंगी सभी को और राधा रानी को खाली मैं चंदन का तिलक लगा दूंगी। और गाय माता बैठी है साथ में, इनको भी हम तिलक लगा देंगे। और अब हम कर लेंगे आरती की तैयारी। तो सभी को फूल चढ़ा दूंगी पहले, और तुलसी मैया भी बैठी है साथ में, तो तुलसी माता को भी हम फूल चढ़ा देंगे। लड्डू गोपाल जी को माला है तो माला चढ़ा दें, अगर फूल है फूल, अगर नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। गाय माता को भी फूल चढ़ा दिए मैंने। और अब कर लेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया, आरती की तैयारी। तो मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है। तो एक में मैंने धूप जला दी है और दीपक जला दिया है। तो अब आरती कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की, अपनी राधा रानी की। तो आरती मैं लड्डू गोपाल जी की करती हूँ। आरती कुंज बिहारी की, शिविर धर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। राधा रानी की भी आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हम आरती रख देते हैं और थोड़ा सा हाथ में जल लेते हैं। मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ, थोड़ा सा हाथ में जल लेते हैं, गरम आरती नहीं देते किसी को भगवान को। थोड़ा सा चारों तरफ जल घुमा के छोड़ दें, उसके बाद सभी को आरती दे दें और खुद भी आरती ले लें। तो भक्तों हमारी आरती हो गई है, और अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता ले आएंगे। नाश्ते में या तो पराठे भी बना सकते हैं, दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो मेरे पास मैंने मीठा मंगाया हुआ है, तो मैं मीठे का और ड्राई फ्रूट का थोड़ा भोग लगाऊंगी, फ्रूट्स का। तो अब लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं भोग, मतलब नाश्ता करा देते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। 1-1.5 बजे के बीच में खाना बनाएंगे फिर। तो अब लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे रसमलाई का और ड्राई फ्रूट का भोग लगा देंगे। कुछ मैंने मिठाई रख दी है और फ्रूट्स रख दिए हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं, नाश्ता करा देते हैं। तुलसी पत्र डाल दूंगी सभी में। तो ये तुलसी पत्र रख दिया, लड्डू गोपाल जी लगा लेंगे भोग। और जैसे कि मैंने बताया, भोग हमें 10-15 मिनट के लिए रखना है, और ये फिर सभी खा लेते हैं। भोग प्रसाद बन जाता है। और 1 गिलास में मैं जल रख दूंगी, और ये पानी का जो घड़ा है लड्डू गोपाल जी के हम पास ही रख देते हैं। और गर्मियों में ना घड़े में ही पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी ना घड़े में ठंडा रखता है। और 1 डब्बी में मैं ड्राई फ्रूट और मिश्री डाल के रखती हूँ, जब लड्डू गोपाल जी को भूख लगती है तो खा लेते हैं। तो ये इनके पास रहेगा, मैं घंटी बजा दूंगी और लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। और अभी हम पर्दा डाल देते हैं, लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे। तो अब लड्डू गोपाल जी का खाना आ चुका है, और ये है सात्विक खाना। तो खाने में हमने बनाया कढ़ी चावल, सलाद, चटनी और साथ में है रोटियां। तो अब लड्डू गोपाल जी लगा लेंगे भोग, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो इसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है सभी में। अब मैं रूम का पर्दा डाल दूंगी, हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये भोग आप 15-20 मिनट इनके पास रखा रहने दें, उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद, और आप सभी इस प्रसाद को ग्रहण कर लें। जब लड्डू गोपाल जी खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर में आराम भी कराएंगे। तो अभी डाल देते हैं मंदिर वाले रूम का पर्दा। तो अब लड्डू गोपाल जी का हो गया आराम का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं, 2:45 बज गए हैं। लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे 5 बजे तक, जो इनकी ज्वेलरी है गले की वो उतार देंगे, और इनके मुकुट और बाल वगैरह उतार देंगे, और इनको सुलाते हैं अब। अब लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे, माला वगैरह नहीं उतारी, कान के उतार दिए, बाल वगैरह उतार दिए। अब लड्डू गोपाल जी को 2 घंटे के लिए आराम के लिए हम सभी को लिटा देंगे। और इधर छोटे लड्डू गोपाल जी को, अब लड्डू गोपाल जी थक गए हैं खाना खा के, इन्हें आ गई है नींद, तो अब ये सो जाएंगे चारों। और मंदिर वाले रूम की कर देंगे हम लाइटें बंद। और ये सो रही है हमारी राधिका, क्योंकि हम माला वगैरह सबकी उतारूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है, और फिर पहनानी भी होती है, इसलिए मैंने माला वगैरह नहीं उतारी है। सबको सुला दिया है, मंदिर की कर दूंगी मैं लाइट बंद। तो भक्तों 5 बज चुके हैं, अब लड्डू गोपाल जी को जगा देंगे और इनको पानी वानी पिलाते हैं। अब देखते हैं इनको क्या खाना है, दूध पीना है या फिर कुछ ठंडा खाना है। तो
तो अभी पहले मैं इनको जगा देती हूँ और इनको बिठाती हूँ। भक्त तो अब लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पिला देंगे पानी। तो मैं पानी रख दिया इनके पास, तो अब लड्डू गोपाल जी को मैं पानी पिला दूंगी। और भक्त तो अब फिर उसके बाद इनको हम तैयार करेंगे, इनके जो बाल वगैरह है ना वो लगा दूंगी और फिर जाएंगे ये बालकनी में। जैसे मौसम अच्छा हो रहा है, आज हमारे यहाँ मौसम अच्छा हो रहा है, तो जैसे मौसम अच्छा होता है तो मैं लड्डू गोपाल जी को बालकनी में ले जाती हूँ। अभी इतनी गर्मी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को शाम को बालकनी में बिठा देते हैं और वहीं पे इनका खाना पीना चलता रहता है। और ऐसे ही सर्दियों में धूप में दोपहर में मैं लड्डू गोपाल जी को खाने का भोग वहीं पे लगा देती हूँ। तो अभी चलते हैं लड्डू गोपाल जी को बालकनी में लेके। लड्डू गोपाल जी को हम लेके आ गए हैं बालकनी में और चारों बच्चे बैठ गए हैं सिंहासन पर और थोड़े से फ्लावर वगैरह रख दिए इनके पास। अब इनको यहीं पे भोग लगाएंगे। अब इनके लिए भोग ले आते हैं बना के, अब इनके लिए हम भोग ले आएंगे बना के। तो भक्तों भोग में मैंने इनके लिए जैसे सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वो काट दिए हैं और मैंगो शेक बना दिया है। अब लड्डू गोपाल जी लगाएंगे भोग, तो सभी में तुलसी पत्र डाल देंगे। अब तो मैं अभी सभी में पहले तुलसी पत्र डाल देती हूँ। सभी में डाल दिया तुलसी पत्र और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, लड्डू गोपाल जी को बाहर बैठ के खाना था तो लड्डू गोपाल जी बाहर बैठ के नाश्ते का एंजॉय करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पे टॉयस वगैरह से खेलेंगे। तो अभी लड्डू गोपाल जी नाश्ता कर लेते हैं अपना। तो अब लड्डू गोपाल जी थोड़ी देर खेलेंगे और बालकनी में मौसम का एंजॉय ले रहे हैं ये बैठ के। उसके बाद हम करेंगे आरती, फिर इनको हम अंदर ले जाएंगे। तो अभी बैठ के ये खेल रहे हैं, उसके बाद इनको अंदर लेके जाएंगे, करेंगे फिर आरती। लड्डू गोपाल जी आ गए अंदर, अब कर लेंगे हम आरती। शाम के बज गए 7, तो अब आरती कर लेते हैं। आरती हमने तैयार कर लिया, दीपक जला लिया है, तो अब कर लेते हैं पहले आरती। कर लूंगी आरती लड्डू गोपाल की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती हमारी हो चुकी है, थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में और आरती कर लेंगे ठंडी। उसके बाद हम सभी को आरती दे देंगे और खुद भी आरती ले लेंगे। तो थोड़ा सा जल लेके चारों तरफ घुमा देंगे, सभी भगवान को आरती दे देंगे, अपने मंदिर में भी सभी को आरती दे देंगे और खुद भी आरती ले लेंगे। और आप सब भी आरती ले लीजिए, सभी आरती ले लीजिए। तो भक्तों अब लड्डू गोपाल जी की खाने की तैयारी कर लेते हैं, तो इनका भोग तैयार कर लेते हैं। तो अब लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को भोग, शाम का मतलब कि रात का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। और भोग में मैंने बनाया है, इनको लगाऊंगी माखन मिश्री का भोग। ये मिश्री है जो साबुत वाली मिश्री होती है, वो मिश्री है। और ये है रबड़ी और ये है घीये का हलवा। तो रात को ज़्यादातर मैं मीठे का ही भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो ज़रूरी नहीं आप खाने का भी लगा सकते हो या खाली माखन मिश्री का भी लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी को, आप कोई भी भोग लगा सकते हो, भोग होना चाहिए सात्विक। तो अभी लड्डू गोपाल जी भोग लगा देंगे। सभी में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। भोग लगाने के बाद फिर इस भोग को हम 15-20 मिनट के लिए बार बार मैं बोलती हूँ, क्योंकि फिर मेरे से पूछते हैं मैम ये भोग कितने देर रखना होता है, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ 15-20 मिनट तक ये भोग इनके पास ही रखे, फिर आप खुद खा लें इस भोग को। तो चलते हैं अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने देते हैं, मंदिर वाले रूम का डाल देते हैं पर्दा। तो लड्डू गोपाल जी ने खाना भी खा लिया, अब लड्डू गोपाल जी के करेंगे हम कपड़े चेंज और सारी ज्वेलरी उतार देंगे इनकी। तो अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो अब तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े कर दिए हमने चेंज, सभी की ड्रेस उतार दी, ज्वेलरी उतार दी। अब लड्डू गोपाल जी बिल्कुल कम्फर्टेबल होके बैठ गए हैं, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है इनका। तो अब इनके लिए हम ले आए हैं दूध और अभी ये सखियों के पास बैठेंगे कुछ देर। तो सखियां मैंने अलग से ये रखी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखी रहती हैं ये सखियां। तो राधा रानी मिलने आती हैं सखियों से अपने, तो अभी ये यहीं पे बैठी हैं और दूध भी ये यहीं बैठ के पियेंगी और सखियों से बातें भी करेंगी। तो दूध सभी का मैं ले आई हूँ, लड्डू गोपाल जी का कुल्लर में ले आई हूँ और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का पीतल के गिलास में ले आई हूँ, क्योंकि इतने छोटे कुल्लर मिलते तो है नहीं, तो मैं इनका अलग ही छोटे गिलास में ही ले आई हूँ। तो अभी सभी में डाल देंगे हम तुलसी पत्र, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लें। तुलसी पत्र मैंने डाल दिया है, अब मैं इनको दूध का भोग लगा दूंगी और गाय माता भी साथ में बैठी हैं, जैसे
लड्डू गोपाल जी के साथ ही रहती है गाय माता ज्यादातर, तो मैं ये छोटी वाली इनके पास ही बिठा के रखती हूँ, और ये बड़ी वाली जो है पीतल वाली मंदिर में बैठी रहती है गाय माता। तो अब लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देते हैं सभी को। तो लड्डू गोपाल जी पी रहे हैं दूध हमारे, तो अब सभी को दूध पिला देंगे और मंदिर का डाल देंगे अभी हम पर्दा, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से दूध पी सकें। तो लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया है, अब ये दूध हम खुद यूज कर लेंगे, पी लेंगे, मतलब रात को हम पी लेंगे इस दूध को। और देखो केशवी ने दूध पी लिया है, पूरा अपना मुंह दूध में करा हुआ है हमारी केशवी ने दूध। इनको दूध कितना पीना था तो इन्होंने पूरे मुंह पे अपने दूध ही लगा लिया। तो अभी दूध हटा लेते हैं अब यहाँ से और इनका फेस साफ करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल और लड्डू गोपाल जी का फेस करेंगे हम साफ, मतलब इनका मुंह धो देंगे अच्छे से, क्योंकि इनका हो रहा है सोने का टाइम। तो सभी का फेस हम साफ कर देंगे और ये जो बाल है मैं ये भी हटा दूंगी अभी सोने के टाइम पे सभी के, केशवी ने और केशव ने तो लगवाए नहीं। अब इनका फेस हम इनके टॉवल से अच्छे से पोंछ देंगे और उसके बाद फेस पे हम इत्र लगाएंगे इनके। चाहे तो आप रात को लड्डू गोपाल जी की, जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता सुबह में, आप रात में लड्डू गोपाल जी की रात को भी मालिश कर सकते हैं। तो मैंने तो सुबह कर दी थी इनकी मालिश, तो आप रात में कर सकते हैं अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा। अब मैं लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी के फेस पे इत्र, तो हाथ पे लगा लिया मैंने, और लड्डू गोपाल जी के राधा रानी के सभी को मैं इत्र लगा दूंगी। और ये जो हेयर है ना इनके, ये मैं हटा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हम सर पे भी इनके मसाज कर देंगे ऐसे, ताकि इन्हें अच्छा लगे, नींद अच्छी आए रात को इन्हें। तो इनकी ये जो है सर पे अच्छे से मसाज कर दी हमने फेस पे और वो सर पे और फेस पे, तो सभी को लगा दूंगी इसी तरीके से इत्र, राधा रानी को भी, केशव केशवी को भी। लड्डू गोपाल जी आ गए अपने बेड पे, तो अभी सभी के पिल्लो लगा देंगे और एक इनका ये मोटू पतलू वाला पिल्लो है, मगर ये सिर्फ मैं बेड पे रखती हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को इस पे नहीं लिटाते, बस बेड पे रखा रहता है। लड्डू गोपाल जी के तो ये हल्के, मतलब पतले पतले तकिए हैं, क्योंकि सर फिर ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के सभी के मैं ये इनके पिल्लो सभी के रख दूंगी और सभी को हम लिटा देंगे। तो उसी यहाँ पे मैं पहले राधिका को लिटा दूंगी यहाँ पे, तो हमारी राधिका तो लेट गई है, अब बीच में लेट जाएंगी केशवी। तो सबके पिल्लो लगा दिए मैंने, अब केशव बाबू को भी लिटा देंगे और यहाँ पे लेटेंगे कृष्णा। ये कृष्णा का पिल्लो है, इनकी थोड़ी सी नैप भी सही कर देते हैं। और एक पिल्लो में ये कृष्णा का जो हाथ है ना इनके नीचे लगा दूंगी। लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को हमने लिटा दिया है, हल्के हल्के इनके चरण दबा देंगे, हल्के हल्के दबा देंगे और फिर इनको हम सुला देंगे। तो आप रात को जब सुलाएं इनके चरण जरूर दबाएं, लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के, इस तरीके से। और मालिश का मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता जैसे सुबह में, तो आप रात को इनकी मालिश कर सकते हैं। तो सभी के हमने चरण दबा दिए हैं, अब हम इनको हल्की सी ब्लैंकेट उड़ा देंगे, क्योंकि अभी मौसम ऐसी हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं इनको एक हल्की सी ये चादर है ये उड़ा दूंगी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को। और सब पूछते हैं कि एक बेड पे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को लिटा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिटा सकते हैं, तो मैं तो एक ही बेड पे लिटाती हूँ। तो सभी को मैंने सुला दिया है, सभी को भी लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं गुड नाइट। तो भक्तों, जो बांसुरी रखी हुई है इनकी, सराहने रखी हुई है लड्डू गोपाल जी के, जो बांसुरी है लड्डू गोपाल जी के हमें जहाँ पे सुलाते हैं वहीं पे रखनी चाहिए। और रात को जब हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं, तो बच्चों को कभी भी भूख लग जाती है, तो हमने यहाँ पे पानी रख देती हूँ मैं, पानी तो वैसे पूरे दिन भी रखा रहता है। और ये डब्बियां हैं मेरे पास छोटी छोटी, इनमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, एक में मिश्री रखी हुई है, जैसे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट अलग अलग रखे हुए हैं, इसमें अलग ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, जैसे इसमें बादाम है, उसमें काजू है, इसमें मिश्री और मखाने हैं, और सभी में तुलसी पत्र डला हुआ है।
और एक ये लोटा और गिलास लड्डू गोपाल जी का रखा है ताकि भूख लगे तो ये रात को खा सकें। और जो इनकी सेवा वो इनकी सखियां जो हैं वो इनकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहती हैं, तो सारी सखियां यहाँ पर हैं और गाय माता भी इनकी सेवा के लिए इनके पास ही रहती हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और ये सखियां और ये गाय माता इनके पास में ही है। तो भक्तों इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। और भक्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर मैं लड्डू लाडली की वीडियो डालती हूँ, अगर अच्छी लगे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।